वो गाना आपने सुना है ना कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, लेकिन ये तो हीरो हीरोइन के बीच का गाना है। अनफॉर्चुनेटली ये वाली सिचुएशन तो अबीरा, अरमान और रूही के साथ हो रखी है, क्योंकि जहां अरमान अबीरा जाते हैं वहीं पीछे पीछे चली आती है रूही रंग में भंग डालने। अब देखिए ना, एक रोमांटिक सी डेट के लिए दोनों निकले थे और वहां पर भी रूही रोहित को लेकर आ ही गई। कबाब में हड्डी बनना तो भाई खलनायिकाओं की बहुत पुरानी आदत है। अब रूही अपने ससुराल में आई है एक मकसद से। रोहित तो केवल उसके लिए मोहरा है। दरअसल वो इस घर में रहकर अबीरा और अरमान की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। अब देखिए, अरमान और अबीरा दोनों ही डेट पर आए हैं और इस बात की खबर रूही को चल गई है। रोही ने चिकनी चुपड़ी बातें की और रोहित को भी डेट के लिए राजी कर लिया। जिस जगह पर अरमान और अबीरा पहुंचे थे वहीं पर वो भी पहुंच गई। अरमान अबीरा के लिए एक अच्छी सी डेट प्लान करता है, जो कि रोही को पता चल जाता है कि अरमान ने कोई डेट प्लान की है और वो रोहित के साथ हमसे पहले ही वहाँ पहुँच जाती है। तो ऑब्वियसली अबीरा का भी मूड ऑफ हो जाता है। रोही तो प्रिटेंड कर रही है कि उसका मूड ऑफ हो गया, उसकी डेट हमने ख़राब कर दी। तो यहाँ पर आके अरमान उसको समझाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इनको भी रहने दो, हम भी रहते हैं। अब अबीरा तो एकदम सीधी बात करती है, फिर किसी को टेढ़ी लगे तो लगने दो, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता है। रोहित के सामने उसने कह दिया कि यहाँ पर तो हम आए हैं और तुम्हें कैसे पता कि हम यहीं पर आने वाले हैं डेट के लिए। तुम हमारी डेट पे क्यों आए? अरमान ने हमारी डेट के लिए टेबल बुक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज रोही ने तो इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे पता ही नहीं था कि ये दोनों भी यहीं पर आ रहे हैं। अब चलिए, एक कोइंसिडेंस से दोनों एक ही जगह पहुंच गए, लेकिन ये क्या, जब अरमान और अबीरा अपने टेबल पर खुश हैं, तब रोही के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? जाहिर सी बात है, रोहित को तो बुरा लगेगा, इसी बात को लेकर हंगामा हो गया। एक टेबल के ऊपर सैडनेस चल रही है और एक टेबल पे हम लोग दिल खोल के हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं। तो रोहित का दिमाग ख़राब हो जाता है, उसको लगता है कि शायद अरमान जानबूझकर उनकी डेट ख़राब करना चाहता है। तो थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है रोहित की तरफ से, वो कुछ सुना देता है। तो वहाँ से अरमान अबीरा को लेकर जाता है एंड फिर रास्ते में वो लोग थोड़ा सा झगड़ते हैं, अरमान और अबीरा। वो उसको बोलता है कि तुमने क्यों बोला ये सब कुछ चीज़ें उसको, ऐसा वैसा। तो अबीरा भी नाराज़ हो जाती है। फिर अबीरा वहाँ से निकल गई और उसे मनाने के लिए अरमान पीछे पीछे आ गया। अब एक कप चाय का वास्ता दे रहा है अबीरा को वो मनाने के लिए।
उसके लिए चाय लेकर आता है दोनों के लिए, एंड देन फिर अबीरा उसको मनाती है, उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ इसने मना किया था मुझे इतनी बार, तो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। सो वो मोमेंट है जहाँ पर जिससे दोबारा से आइस ब्रेक होती है, एंड यू नो सो वो लोग वैसे भी ज़्यादा देर तक नाराज़ रहते नहीं है, जो गुस्सा होता है कभी कभी वो एक दूसरे पर निकाल लेते हैं, बट देन अगेन दे आर बैक टुगेदर। तो वो वही सीक्वेंस था जहाँ पे वो बहुत ही क्यूट तरीके से अरमान को मनाती है, उसके लिए गाना गाती है, और एक बहुत ही अच्छी सेटिंग के अंदर एक बहुत सुंदर सीन था वो। खैर अबीरा तो अबीरा है, जल्दी से रूठ भी जाती है और मान भी जाती है, यही तो उसकी खासियत है। अब यहाँ पर ये दोनों मान गए हैं, लेकिन अबीरा चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो इस बात पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेगी कि आखिर रूही वहाँ पहुँची कैसे इनकी डेट बर्बाद करने के लिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल जी, जी आपके तो भैया चरण स्पर्श करने को मन करता है, आपके अंदर ये जो पति की सेवा करने की भावना कूट कूट कर भरी हुई है ना, ये तो नेक्स्ट लेवल ही है, कंसिडरिंग आपके हस्बैंड आपको भाव तक नहीं देते। अब देख लीजिए, मंगल लक्ष्मी में आदित्य का बर्थडे है, यूं तो मंगल व्हील चेयर पे है, लेकिन सब कुछ भूल भाल के अपने पति परमेश्वर के लिए ये केक मना रही है। मंगल वाह, मानना पड़ेगा आपको, आप एक परफेक्ट पत्नी है। अब अदिति है जिसे आपकी कोई कदर नहीं है, वरना आप में तो कोई भी कमी नहीं है। अब भले ही मंगल को कितनी भी चोट आई हो, वो व्हीलचेयर पर क्यों ना हो, लेकिन आज अदिति के जन्मदिन पर वो उसके लिए केक बना रही है। आज अदित जी का बर्थडे है तो मंगल जो है केक बना रही है, और बिकॉज ईशाना हॉस्टल चले गई है और अदित जी ने उसको हॉस्टल भेज दिया, तो मुझे लग रहा है कि आज उनका मूड अच्छा रहेगा, और उनको कुकर का केक पसंद नहीं है, तो इस बार फर्स्ट टाइम मंगल जो है ट्राई कर रही है अवन में केक बनाने का, और उसका यही है कि वो दिखाना चाहती है अदित को कि हर इंसान बदल सकता है। अब ईशाना को अदित ने हॉस्टल भेज दिया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं मंगल अदित को मनाना भी चाहती है कि वो ईशाना को घर वापस ले आए, और ऐसे में मंगल चाहती है कि वो अदित के बर्थडे को काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करे। अब अगर इतनी अच्छी बहू हो तो सास को भला अपनी बहू पर प्यार कैसे ना आए। अब कुसुम भी तो बस यही चाहती है कि अदित और मंगल के बीच के रिश्ते जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मंगल में वो सारे गुण है, सारी खूबियां हैं, वो सर्वगुण संपन्न है। मंगल अपना पूरा 100% देती है। अब उसके पैर में चोट लग गई है, फिर भी उसने पीछे हटने की, पैर पीछे नहीं खींच लिए कि मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, तो उसने अपना 100% दिया है, तो ऐसी बहू को कौन सास प्यार नहीं करेगी। अब मंगल कोशिश तो कर रही है अदित को खुश करने के लिए, लेकिन क्या अदित मंगल के इस केक से इम्प्रेस होता है नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पर 10 अगस्त से आ रहा है आपका अपना जाकिर, यानी कि जाकिर खान का शो जल्द ही आने वाला है, जिसमें साथ में नजर आएंगे ऋत्विक और परेश। जाहिर सी बात है कि इन तीनों की तिगड़ी खूब धमाल मचाने वाली है, एंड वी जस्ट कांट वेट फॉर इट। तो ऐसा करते हैं, मौका भी है दस्तूर भी, एक चाय पे चर्चा कर ले इनके साथ। द ड्रैगन मदर
श्वेता जी तिवारी जो हैं उनका बड़ी हनक है, उनकी धमक है सेट पे, उनकी डांट डपट से पूरा सेट थर्रा जाता है, कांप जाता है। हर रस में चाहे वो कितना ही आपको खुशी या गम या कुछ भी दे, हर रस में सीख जरूर है। अच्छी कोशिश, मेहनती, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, पूरी 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 पूरी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एबीपी न्यूज पर हम कर रहे हैं चाय पे चर्चा है, और शो का नाम है सास बहू और साजिश। ये शो जब लॉन्च हुआ था तब मैंने इसको काफी फॉलो किया। पहला सवाल है, जीवन के नौ, जीवन में नौ रस हैं, आप इसे कैसे अपने शब्दों में पेशकश करेंगे, इसका सार, जीवन के नौ रसों का सार कैसे शब्दों में पेशकश करेंगे? अच्छा और सवाल पूछ लिया मैंने। इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। हाँ सर बताइए, आपने नवरस पूछा? नहीं नहीं, मैं तो चाय पी रहा हूँ। अरे बस क्या, मैं तो चाय पी रहा हूँ, चाय बढ़िया है। जिस तरीके से एक एक डिश होती है ना, जो हमें घर में जब मम्मी राजमा चावल या दाल चावल या कुछ बनाती है, तो उसमें हर चीज़ की मात्रा जो है ना वो एकदम बराबर की होती है, कि थोड़ा सा भी ऊपर नमक या थोड़ा सा भी नीचे नमक तो थोड़ी सी डिश ख़राब हो जाती है। तो आई थिंक आपके जीवन में हर रस का होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने एक भी रस एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप शायद संपूर्ण जीवन नहीं जी रहे। तो और हर रस में चाहे वो कितना ही आपको खुशी या गम या कुछ भी दे, हर रस में सीख ज़रूर है। ये बाकी आठ रस का जो निचोड़ है वो सिर्फ एक रस से आता है, वो है श्रृंगार रस। जब आप श्रृंगार रस को अपनाते हैं तो बाकी दुख सुख प्यार ममता ये सारी चीज़ें आप अचीव कर लेते हो अगर आप श्रृंगार रस को फॉलो करो। तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन जो रस है वो श्रृंगार रस। मेरे ख्याल से क्योंकि शो का नाम सास बहू और साजिश है, तो मैं उसके रेफरेंस से कहूँगा कि जीवन में आप कैसे 15 मिनट के फेरे में आप सारे रस एक साथ देखते हैं। जब कोई बेटी अपने घर से विदा होके अपने दूल्हे की गाड़ी में बैठती है, उसका उसकी जो झिझक, उसका डर, उसके भय, उसका श्रृंगार, उसका वात्सल्य, उसका प्रेम, सब उन 15 मिनट में उसके साथ होता है। कि जब वो अपने परिवार को विदा करके वो जिस इमोशन के साथ जाती, और जब वो एक नई शादी में एंटर कर रही है, अपने दूल्हे के बगल में बैठती और वो हाथों का टकराना जो है, वो सारे जो जीवन के रस हैं वो उसमें कल्मिनेट होते हैं। इस शो के जरिए दर्शकों के चेहरों पर स्माइल लाने की किस तरह की कोशिश होगी ज़ाकिर भाई? अच्छी कोशिश, मेहनती, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, पूरी 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 बहुत कोशिश, बहुत ज्यादा मेहनत। हाँ रोज करेंगे, और हम चाहेंगे कि लोग हमारा शो एंजॉय करें, और उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी है हम करेंगे, हम तीन भी करेंगे और बाकी जो दो यहाँ पे नहीं है वो भी करेंगे, और जो देख रहे हैं उनसे भी करवा लेंगे। आपका अपना जाकिर, क्या इस शो में किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, हमें यही चांद दिखाई देगा क्या, आप कैसे इसे दर्शाएंगे? I know what they are trying to do here. It's something which I have dreamt of. Which is? फारूक शेख साहब का जीना इसी का नाम है शो बहुत पसंद है, और उसके दो वर्जन है। उसका एक ये कि हमको पूरे वक्त हम अपने दोस्तों में हमेशा लोग छांटते रहे कि ये ठीक लड़का लड़का लग रहा है, इसको हम अपने जीने सी के नाम के एपिसोड में बुला सकते हैं, ठीक है ना। और एक वक्त आया जब हमको जब हमको ये लगा कि जीवन में प्रेम पाने की पराकाष्ठा शायद ये होगी कि हम इस तरह का कोई शो होस्ट करें, है ना। शायद अभी उस लायक नहीं हुए कि वहाँ पहुँचे, पर रास्ते में ज़रूर है। नाम जाकिर का नाम से है, मगर सेट पर किसका राज चलता है? साहब आई थिंक द ड्रैगन मदर, द ड्रैगन मदर
श्वेता जी तिवारी जो हैं उनका बड़ी हनक है, उनकी धमक है सेट पे, उनकी डांट डपट से पूरा सेट थर्रा जाता है, कांप जाता है। आज में ही वो इंटरव्यू देने आई थी, उसमें ही उन्होंने हमको 3 बार चटका दिया है ना। और सिर्फ हम नहीं, सबके साथ उनका वो वाला माहौल है। तो जब वो आती हैं तो एकदम अटेंशन पे चला जाता है सेट। देखने में कैसी बड़ी पटीट सी प्यारी सी लगती हैं वो, पर साहब उनका रौब है थोड़ा सा। हाँ क्या रुतबा है उनका, वो जब आती हैं तो थोड़ा वो हिल तो जाता है थोड़ा माहौल, और हम सारे के सारे जो थोड़े सीधे हो जाते हैं। बट वो जैसे ही जाती हैं आप देख लो, हम सारे के सारे कैसे खुल गए हैं, ऐसे लग रही है सारे शेर आप करो बातें हमसे। ऑफ होता है उनका डर, उनका भय हमारे चेहरे पे दिख जाता है, लेकिन जैसे कैमरा ऑन होता है वो अपने आप में रहती हैं तो हम बचे रहते हैं। वो इनका बड़प्पन है कि वो ऑन कैमरा हमारे साथ वो सब नहीं कर रहे। दोस्तों हम सब आ रहे हैं, मैं हूँ ऋत्विक धंजानी, मैं हूँ जाकिर खान, और मैं हूँ परेश गणात्रा। हम आ रहे हैं हमारा ये छोटा सा परिवार यारी दोस्ती लेकर आपका अपना जाकिर के साथ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर 10 अगस्त 2024 9:30 to 10:30 सैटरडे संडे देखना मत भूलिए। जी बिल्कुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल परिणीति की। यहां पर भैया नीति का पागलपन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है बल्कि कहना चाहिए। अब तो चाकू लेकर परी के पीछे पड़ गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए, राजीव है ना, वो बचा ही लेंगे अपनी परी उर्फ पार्वती को। पार्वती पार्वती भाग। पार्वती को आज नीति से तेज दौड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ये करण अर्जुन की तरह दोबारा जन्म लेगी। वैसे भी पुनर्जन्म का खेल पार्वती तो खेल रही है नीति और राजीव के साथ, लेकिन आज तो सच में पार्वती की जान खतरे में है, क्योंकि नीति हाथ में चाकू लेकर पार्वती की जान के पीछे पड़ गई है। दरअसल यह है कि पार्वती की ही चाल है कि नीति को पागल घोषित कर दिया जाए। उसने हाल ही में डॉक्टर से इंजेक्शन भी लगवाई थी ताकि उसकी नजरों में बस परी नजर आए, लेकिन आज भला हो राजीव का कि ऐन वक्त पर पहुंच गया, वरना पार्वती स्वर्ग सिधार सकती थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही है। नीति को कंट्रोल में करने के बाद उसे डॉक्टर लेकर साथ चले जाते हैं। एक्चुअली हिप्नोटाइज वाले प्रोसेस में नीति का ट्रीटमेंट आधा ही हुआ था,
क्योंकि वो बीच में ही उड़ गई थी, जिसके कारण नीति और भी खतरनाक हो गई है। पागल घोषित कर दिया है और मुझे इंजेक्शन लग गया था, मैं नींद में थी और जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो मुझे एक्चुअली उसने डॉक्टर से ऐसा इंजेक्शन दिलवाया जिसमें मुझे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और मुझे दिख रही है परी और मुझे लग रहा है कि ये भूत है। मुझे वो ऐसा नहीं लग रहा कि वो रियल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भूत है और इसलिए मैं उसको मार रही हूँ कि चली जा, निकल जा और मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, प्लीज़ मुझे मत देख। तो वो सब हो रहा है और इसलिए मैं मारने आ जाती हूँ उसको कि मुझे और दिखाई ना दे, वो मर जाए। अब नीति की ऐसी हालत तो पार्वती ने ही बनाई है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं नीति भी परी के साथ खेल खेल रही है, यानी कि पागल बनने का नाटक कर रही है। वो भी हम आपको अपडेट जरूर देंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सोनी टीवी का सीरियल जुबली टॉकीज, जहां माधव शिवांगी से जबरदस्ती संगम सिनेमा के पेपर्स पर साइन करवा लेता है। अब शिवांगी अपने संगम सिनेमा को तो नहीं बचा पाई, लेकिन क्या वो अपनी और आयान की जान बचा पाएगी, क्योंकि फिलहाल दोनों की जान खतरे में है। देखिए, कल आप और हम डिस्कस कर रहे थे ना कि सवी और रजत की शादी में, शादी की रस्में कौन से रीति रिवाज से होगी, मतलब मराठी और गुजराती। वेल, किक स्टार्ट तो हो गई है रस्में। देखिए, मराठी में, मतलब मराठी रस्मों में और महाराष्ट्र में शादी से पहले एक केलवन की रस्म होती है, जहाँ दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाया जाता है। अब भैया वो रस्में मुझे बड़ी पसंद आती हैं, जहाँ पे खाने पीने की बातें हो रही हों और खिलाया जा रहा हो। बट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रस्म, मैंने भी पहले नहीं सुना है। तो चलिए ना, देख कर आते हैं। शादी की बात, ये टीचिंग का था और वैसे भी टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन। अरे भाई, आंखें दिखाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले एक अच्छी सी फोटो के लिए एक प्यारी सी स्माइल तो दे दो। चलो चलो। रजत सुबह है तो सभी शाम, रजत पूरब है तो सभी पश्चिम, रजत गुजरात है तो सभी महाराष्ट्र, यानी कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। लेकिन जब ऊपर वाला जोड़ियां लिख देता है तो टू स्टेट्स का मिलन हो ही जाता है। इसलिए तो अब शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी हैं, वो भी मराठी स्टाइल में, जिसे केलवन कहते हैं। लेकिन यहाँ भी रजत और सभी की टशनबाजी गुमसुम चल रही है। केलवन बेसिकली ऐसे होता है कि फर्स्ट मील जो बनाया जाता है होने वाले नव दाम्पत्य के लिए, जिनकी शादी होने वाली है। सो ये हम भोसले के घर पे सारे लोग जाते हैं। केलवन रस्म में होता यह है कि दुल्हा दुल्हन के लिए खाना बनाया जाता है, जो कि सभी के घर पे ये रस्म अदा की गई। ईशा माँ ने पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन इन्होंने शर्त भी रखी है कि अगर सभी शादी के बाद पढ़ना चाहे तो कोई मना नहीं करेगा, और साथ साथ सभी अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ेगी, जिसके लिए रजत राजी हो जाता है और उसका परिवार भी। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लड़ाई से ज्यादा इनका मन पढ़ाई में लगेगा तो हम सबके लिए अच्छा है। सो खुशी खुशी सब लोग खाना खा रहे हैं एक जगह पे, रजत और सभी का चल रहा है कि ऑफकोर्स ये शादी प्यार की वजह से तो हो ही नहीं रही है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट है तो उस हिसाब का उनके बीच में है। अब दोनों परिवार अगर इकट्ठा हो और कुछ बवाल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन सभी के रहते हुए कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, इस बात की तो गारंटी है। इशू ये हुआ है कि मेरे भाई भाभी एक दिन पहले आए हुए थे। गुजरातियों में बहुत ऐसा होता है कि आओ बैठो, जलसा करो, पत्ते खेलो, तो पूरी रात भर पत्ते खेलते हैं, तो सुबह आते हैं तो सब नींद में है, तो आते हैं तो आँखों में नींद भरी है, तो चश्मे लगा के आते हैं और फिर जो धमाल होती है। अब धीरे धीरे शादी की ओर दोनों के कदम बढ़ रहे हैं, साथ इसके दोनों परिवारों का भी मिलन हो रहा है। लेकिन अभी इतना ड्रामा है तो भला शादी तक क्या हाल होगा, ये राम जाने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट
खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां दादी सा ने ऐलान कर दिया है कि पोदार फर्म का हेड वो रोहित को बनाना चाहती है। लेकिन रोहित ने भी यहां दादी सा के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है, जहां रोहित का कहना है कि वो फर्म का हेड तभी बनेगा जब दादी सा जल्द से जल्द अरमान और अभिरा की शादी करवाएंगी। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आपको इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल माटी से बंधी डोर, जहां अब वैजयंती को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वैजू फिलहाल खतरे से बाहर है। अब इससे पहले कि वो दोबारा घर में कदम रखे, घर में सुलेखा ने नया हंगामा कर दिया है, जहां वैजयंती की रिपोर्ट सुलेखा के हाथ लग जाती है और उन पर वैजयंती के पति के नाम के कॉलम में रणविजय का नाम लिखा होता है। जहां वैजू के पति का नाम होना चाहिए, महाराणा ने अपना नाम लिख दिया है। अब रणविजय वाकई में वैजयंती का पति तो है, लेकिन ये बात अभी तक जया और घर वालों को नहीं पता है। और यहाँ जया भी रणविजय का साथ देती हुई नजर आती है और उसे लगता है कि शायद रणविजय ने गलती से वहाँ अपना नाम लिख दिया था। उसको एक डर होता है सुलेखा को कि ये वैजू बीच में आके जरूर टांग अड़ाएगी, लेकिन आज वो बहुत खुश है, कॉन्फिडेंट साजिश लेके आई है वो कि आज तो मैं सबकी बिल्कुल नैया डुबो के रखूंगी, क्योंकि आज वैजू है नहीं, वैजू है हॉस्पिटल में बढ़िया से सोई है। लेकिन आज जया ने थोड़ा पलटवार कर दिया है सुलेखा पे, तो वो उस पे भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो आपको सीरियल देख के पता चलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का सेट, जहां अब राखी प्रीता के खिलाफ होती हुई नजर आने वाली है। जी हां, जैसे ही प्रीता घर में आने वाली होती है, राखी उसे घर में आने से मना कर देती है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से करण प्रीता का साथ देता हुआ नजर आएगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक, जहां झनक को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उस पर आरोप भी लगा है कि उसने परफॉर्मेंस के लिए ड्रग्स लिए थे। अब हॉस्पिटल में अनिरुद्ध और आदित्य कपूर दोनों ही आते हैं झनक को लेकर, जहां आदित्य कपूर अनिरुद्ध को झनक से दूर रहने को कहता है। वैसे हम आपको बता दें कि झनक की ये हालत सृष्टि की वजह से हुई है, जहां स्टेज पर सृष्टि झनक को चैलेंज देती है। सृष्टि के बताए गए डांस फॉर्म्स को परफॉर्म करते वक्त झनक अचानक से बेहोश हो जाती है और जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का सेट, जहां राजवंश को बचाने के लिए पूर्वी ने एक नया प्लान बनाया है। जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वी अनाउंस करती है कि वो अपने पति राजवंश को डिवोर्स दे रही है और जिसके बाद वो नेत्रा और राजवंश की शादी करवाएगी। अब इस प्लान के तहत पूर्वी नेत्रा का सारा सच सबके सामने लाना चाहती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेहंदी वाला घर, जहां तन्वी को लेकर घर वाले बहुत परेशान होते हैं, लेकिन नर्स सभी को बताती है कि तन्वी की जान फिलहाल खतरे से बाहर है और वो जल्द ही माँ बनने वाली है। ये सुनकर सभी घर वाले काफी खुश हो जाते हैं। सीरियल मिश्री में भैया राघव इज लाइक अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। देखिए ना, मिश्री कॉलेज पहुंची है और कॉलेज कम स्कूल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिश्री के प्रोफेसर साहब हैं राघव। फिर क्या था, इनको तो अपना पर्सनल एजेंडा सेट करने का मौका मिल गया। मिश्री को पनिशमेंट भी दी तो वो स्कूल वाली होती नहीं थी कि बेंच पे खड़े हो जाओ। बस यही चल रहा है। मिश्री और राघव का किस्मत कनेक्शन तो देखिए, मिश्री कितनी भी कोशिश कर ले राघव से दूर जाने की, लेकिन फिर भी राघव और वो एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं। और अब तो मिश्री कैसे बचेगी, क्योंकि राघव उसके कॉलेज का प्रोफेसर जो ठहरा। अब मिश्री को आज मिली है पनिशमेंट, क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। भाई ये कॉलेज है, कोई स्कूल नहीं है राघव, कि आपने मिश्री को बेंच पर खड़े रहने की सजा दी है। और हाथ ऊपर करके कहीं पे खड़ी हो जाओ।
वैसे मिश्री को जल्द ही ये पता चल जाएगा कि राघव और वाणी एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि राघव और वाणी का रिश्ता अब एकदम पक्का हो गया है। वाणी और दादी के बीच के जितने भी गिले शिकवे थे वो भी दूर हो गए हैं। राघव को पता चलता है कि दादी बहुत खुशी खुशी चाहते हैं कि वाणी और राघव की शादी हो जाए, तो शादी की बात घर में चल रही है। एंड देन मैं राघव को मना लेती हूँ, फिर मैं राघव को लेके हॉल में आती हूँ जहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं, एंड वहाँ पे सब खुशी खुशी शादी की बात ही कर रहे हैं। मंगनी होने वाली है तो मंगनी की बात होती है, एंड फिर राघव मेरे मम्मी पापा के साथ चले जाते हैं क्योंकि वो रिक्वेस्ट करते कि एक और दिन राघव वहाँ रहेगा और मैं यहाँ रहूँगी लास्ट। तो यस, अब जब वाणी और राघव की शादी मिश्री की आंखों के सामने होगी तो उसे बुरा तो जरूर लगेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लुड़ने की आशा में सचिन जो है वो साइली को उनके बर्थडे के लिए रेस्टोरेंट लेके गए। आई दैट सच अ रोमांटिक जेस्चर। अब यहां तक बात ठीक थी, फिर केक कटिंग हुई, केक खाया गया, दैट वाज आल्सो ग्रेट। अब केक के बाद लग गई प्यास और गड़बड़ ये हो गई कि जो साइली है वो ये नहीं भाप पाई कि ग्लास में पानी है या शराब। उसके बाद तो झूम बराबर झूम। सचिन का दिल तो अब साइली ने चुरा ही लिया है और सचिन भी साइली का दिल चुरा चुका है, क्योंकि साइली के हुस्न का जादू अब सचिन पर चल ही गया। साइली की छोटी छोटी बातें, उसकी आदतें सचिन के दिल में जगह बना चुकी हैं। अब देखिए, साइली के जन्मदिन की दोनों ने पार्टी की, लेकिन पार्टी में साइली ने पानी की जगह शराब पी ली है, जिसके कारण बीच सड़क पर झूम रही है। और ऐसे में साइली का साथ सचिन भी दे रहा है। किसी ने भांग पी है, कोई बोलता है ड्रिंक किया है, वैसा एक्ट करो, कुछ समझ नहीं रहा है। जस्ट ट्राइड कि मैं थोड़ी ड्रंक लगूं, एंड आई थिंक लेट द पीपल अराउंड मी से कि एक्चुअली लग रहा था कि नहीं। प्रोडक्शन ने बहुत अच्छा सेटअप भी बनाया है एंड मज़ा आया शूट करने में। एंड हाँ, मतलब फ्रीक आउट किया यार, इन्जॉय किया सबने। मेया ने भी अच्छा किया, सबने इन्जॉय किया, मुझे भी मज़ा आया। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स जब गोविंदा सर का आया था तब से, और जुड़वा 2 का भी, मतलब मुझे ये वर्जन अच्छा लगता है। अब सचिन को क्या पता था कि साइली कुछ ऐसा कर बैठेगी, और अब सचिन घर पर अपने बाबा को क्या जवाब देगा। हालांकि सचिन के बाबा उसका हाल जानने के लिए कॉल भी करते हैं, लेकिन अब सचिन को समझ नहीं आ रहा कि वो साइली को संभाले या फिर फोन पर बात करे, क्योंकि साइली तो झूम रही है और बन के हवा सातवें आसमान पर उड़ भी रही है। इसलिए मैं केक खा रही थी, मुझे खांसी आई, पानी लेने गया, कुछ नहीं मिला, तो फिर मैंने जो देखा वो पी लिया। मुझे नहीं पता था कि ये ड्रिंक करने वाला है उस रात। भुगतान, मतलब सचिन को डर लग रहा है कि कमरे में लेके जाएगी तो कुछ गलत ना हो जाए मेरे साथ, तो सचिन गाने के एंड में ही बोलता है कि बच्चा नहीं चाहिए मेरे को, मतलब सॉरी सॉरी ऐसा करके। तो देखते हैं अभी कैसे एंड होता है और अगले दिन कैसे हैंगओवर में उठती है साइली। साइली को देख सचिन भी खुद को नहीं रोक पाता, क्योंकि जब इश्क होता है तो अपने पार्टनर की हर आदत खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि जिसे रिश्ता निभाना होता है वो हर बुरी आदत को इग्नोर करता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। We'll be right back.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये टीवी की वैम्स कितनी शातिर होती हैं, मतलब हीरो की सिंपथी के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचती हैं, गेम खेलती है, मतलब आप और हम तो उसके बारे में सोच भी ना पाए। अब हमारी मन्नत को ही ले लीजिए, हमारी नहीं है जैसी इनकी हरकतें हैं वैसे तो। हाँ तो रब से है दुआ की मन्नत एक और गेम खेल रही है बस, ताकि सुभान जो है उसके दिल में उसके लिए जगह बन सके। मन्नत आपने क्या चाल चली है, आपकी तीर तो सीधा जाकर सुभान को लग गई है और इतना ही नहीं वो आपको लेकर चिंतित भी हो गए हैं। अब देखिए बात दरअसल ऐसी है कि फरहान के साथ मिलकर मन्नत ने एक और प्लानिंग कर डाली है और एक बार फिर सुभान उल्लू बनने वाला है। अब उल्लू इसलिए क्योंकि वो उसके दिल में जगह बनाना चाहती है और उसे इस काम में कोई और नहीं बल्कि फरहान ही मदद कर सकता था, इसीलिए तो देखिए आखिर क्या प्लानिंग की है उसने। फरहान सडनली आता है और मैं सुभान और इबादत से थोड़ी नाराज़ हूँ क्योंकि मेरे ऊपर इबादत ने गमला फेंका है ऐसा मैंने बोला है पर सुभान मान नहीं रहा है। तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है मैं अकेली ऑफिस जाऊँगी, तो वहाँ पे फरहान आ जाता है और मैं अकेली हूँ और वो मुझ पर अटैक करने की कोशिश करता है और मुझे पता है कि सुभान और इबादत अभी भी वहीं है, सुभान का ध्यान है मुझ पर और वो अटैक करता है और सुभान मुझे बचा लेता है। तो सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है और सुभान मुझे बचा लेता है और फरहान को भगा देता है। अब कोई चाकू दिखाकर अगर किसी को मारने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला डर जाएगा और कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन मानना पड़ेगा मन्नत की एक्टिंग वाकई में काबिले तारीफ है और बेचारी इबादत भी ये सोच में पड़ गई है कि आखिर ये फरहान वापस कैसे आ गया। अब जैसा कि आपने देखा कि ऑन स्क्रीन कितना ज्यादा टेंशन बना हुआ है, वहीं ऑफ स्क्रीन ये दोनों बहनें यानी कि मन्नत और इबादत साइकिल चलाने में बिजी हो गई। अब फ्री टाइम मिला है तो इसे पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, तभी तो देखिए इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है। अब ऑन स्क्रीन चाहे जो हो रहा हो, ऑफ स्क्रीन इन्हें एक साथ देखकर वाकई में काफी अच्छा लगा। फिलहाल कहानी में मन्नत अपने प्लान में कामयाब होती जा रही है और इबादत कुछ भी समझ नहीं पा रही, लेकिन वो कहते हैं ना देर ही सही लेकिन इबादत दुरुस्त जरूर आएंगी और वो इसके पीछे का मकसद भी जान लेंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल बालम थानेदार की, मेरा बालम थानेदार चलाए जिप्सी हाई, ये गाना गाने को बड़ा मन करता है मेरे को जब भी सीरियल की बात होती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर बुलबुल की सिक्स सेंस जो है इट हैज कम इनटू प्ले, क्या है ना कि उसके सुहाग पर जल्द ही काले बादल, मेरा मतलब है खतरे के बादल जो है वो मंडराने वाले हैं, इसका आभास एक सुहागन को हो चुका है। जी हाँ उसको पता लग रहा है कि समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग विद वीर, जाहिर सी बात है ऐसे में वो परेशान बहुत हो रही है। माना कि आप थानेदार हैं और आपका दिमाग काफी शातिर है, मगर जब जब आप पर संकट आएगी आपको कोई और नहीं बल्कि आपकी बींदनी यानी कि बुलबुल ही बचाएगी, और कुछ ऐसा ही आने वाले दिनों में भी होगा, मगर आज आपको कुछ हो उससे पहले आपकी बुलबुल को इस बात का एहसास हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इस वजह से दूर होकर भी बुलबुल काफी ज्यादा परेशान हो रही है
उसकी आंखें नम हो रही हैं। उसे बस इस बात की फिक्र है कि उसका वीर आखिर कहाँ है, क्या वो सही सलामत है। इसी बात की चिंता उसे खाए जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वीर को इस बात की भनक लग गई है कि कुछ ना कुछ आरती भाभी गड़बड़ कर रही है, क्योंकि वीर के साथ उसकी भाभी जरूर है, मगर वो कुछ ऐसा बोल देती है जिसको सुनने के बाद वीर उन पर शक करने लगता है। अब वीर का दिमाग भी थानेदार वाला है, वो भी काफी शातिर है, इसीलिए उन्होंने झट से पकड़ ली है इस गलती को। अब कहानी में वीर इस बात से अनजान है कि जल्द ही उनकी किडनैपिंग होने वाली है, और ये सारा किया कराया किसी और का नहीं बल्कि मीठी माई का होगा। अब बुलबुल को इस बात की आहट तो हो गई है, मगर वो कैसे अपने थानेदार के पास पहुंचेगी, यही तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ का सेट, जहां इबादत और सुभान के बीच अब धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन मन्नत एक के बाद एक नई चाल चलती हुई नजर आ रही है, और अब देखना ये होगा कि क्या मन्नत की इस नई चाल से सुभान और इबादत अलग हो जाएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा, जहां अब अनुज और अनुपमा दोनों ही मिलकर आधा को ढूंढेंगे, और कहीं ना कहीं अब अनुज को अनुपमा की बातों पर भरोसा भी हो रहा है, और अनुपमा भी कोशिश कर रही है कि अनुज को वो पुरानी बातें याद दिला सके ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और इसी के साथ वो अनुज से अंकुश और बरखा का सच जानने की कोशिश भी करती है।